नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई तमाम खबरें अलग अलग जो है क्षेत्रों से देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें, यूपी के झांसी से एक बड़ी खबर है। यहां पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सेहत की जांच के लिए 16,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर छूट गए हैं, क्योंकि एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जो है 4D बीमारियों से ग्रसित बच्चों को झांसी में चिन्हित कर इलाज कराया जा रहा है। ऐसे में जो है बच्चों को इलाज की जरूरत पड़ने पर जो है चिकित्सा संस्थान में भेजा जाता है। झांसी की अगर बात करें तो 2023-24 के वित्तीय वर्ष में शासन की तरफ से 1526 स्कूलों और 2522 आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर RBS की टीमों को बच्चों की स्क्रीनिंग करने का लक्ष्य दिया था। स्कूलों में 1.57 लाख और आंगनबाड़ी केंद्रों में 1.71 लाख बच्चों की स्क्रीनिंग की जानी थी। टीमों ने स्कूलों में, आपको बता दें, 1,50,000 से अधिक और आंगनबाड़ी केंद्रों में 1,71,000 से अधिक बच्चों की सेहत की जांच की। ऐसे में स्कूलों में 6,983 और आंगनबाड़ी केंद्रों में 9,853 बच्चे स्क्रीनिंग से छूट गए हैं। तो ये फिलहाल आंकड़ा निकल कर आ रहा है झांसी जनपद से। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है। ऐसे में जो है स्कूल आंगनबाड़ी केंद्रों के समय परिवर्तन किया जा रहा है। लगातार जो है कभी 7 से 10 तो कभी 8 से 11 या फिर कभी जो है टाइम बदलाव किया जा रहा है। बिहार शरीफ जो बिहार जनपद में पड़ता है, एक जनपद जो है बिहार शरीफ बिहार राज्य पड़ता है, यहाँ पर भीषण गर्मी और लू की वजह से जो है ICDS निदेशालय ने आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के समय परिवर्तन कर दिया है। और निदेशक ने DM को पत्र भेजकर आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच संचालित करने का जो अनुरोध किया गया है। और इसी के साथ ही जो है बिहार शरीफ में अब 3 घंटे 7 से 10 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। अब आपके स्क्रीन के सामने हम एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको बता दें आंगनबाड़ी केंद्रों की जो व्यवस्था है कैसे दुरुस्त होगी, ये बड़ा सवाल है। अब ये खबर भले ही बस्ती के बनकटी से हो, बस्ती जनपद के, लेकिन ये हाल यूपी में सभी जगह पर है। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती जो आपको मालूम होना चाहिए चल रही थी, वो अभी तक पूर्णतया सफल नहीं हो पाई है। तो ऐसे में जो है सुपरवाइजर के बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में पद खाली है, तो इसी वजह से जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है निगरानी नहीं हो पा रही है। एक सुपरवाइजर आंगनबाड़ी केंद्र में है, यानी कि 156 जो आंगनबाड़ी केंद्र है एक सुपरवाइजर के भरोसे चल रहे हैं। बनकटी बस्ती जनपद में ब्लॉक पड़ता है, यहाँ पर संचालित हो रहे 156 आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है मॉनिटरिंग करने के लिए एक सुपरवाइजर की तैनाती की गई है, जबकि नियम के अनुसार 6 सुपरवाइजर यहाँ होने चाहिए। एक सुपरवाइजर पर इतने आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी का जिम्मा होने की वजह से आंगनबाड़ी केंद्रों के हाल बेहाल हो जा रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि 156 आंगनबाड़ी केंद्र है, जिन पर 137 कार्यकर्ता और 133 सहायिकाओं की तैनाती है, और इसकी निगरानी के लिए 6 सुपरवाइजर एक CDPO सहित 2 अन्य कर्मचारियों की तैनाती होनी चाहिए, ये नियमानुसार है। वहीं 25 आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति होती है, लेकिन कर्मियों की कमी के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है। CDPO ने कहा है कि इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई है। अब उच्च अधिकारियों को जानकारी देने अकेले से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सुपरवाइजर भर्ती जो है लटकी पड़ी है, पूर्तियां नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी जो है दिक्कतें आ रही हैं। और सिर्फ बस्ती अकेले जनपद में ये हाल नहीं है, यूपी के सभी जगहों पर ब्लॉकों में ये हाल देखा जा रहा है।